राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। दो दिन से डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, दो दिनों में मरीज भगवान भरोसे रहे। डॉक्टरों की हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। हालात यहां तक आ गए कि मरीज सड़क पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पड़े रहे। हड़ताल की वजह से अस्पताल का पूरा कामकाज ठप हो गया। प्रशासन के द्वारा उनकी मांगे माने जाने के बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि अजमेर, कोटा, जोधपुर के अस्पताल में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। हड़ताल की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 495 ऑपरेशंस को कैंसिल भी कर दिया गया। तो सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, लेकिन अब ये हड़ताल वापस ले ली गई है। दो दिन तक ये हड़ताल चली और ऐसे में मरीज बेहाल रहे, कई मरीजों की जान चली गई और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज सड़कों पर नजर आए। तो पूरी तरह से कामकाज अस्पताल का ठप रहा इन दो दिनों में। और ये तस्वीरें जब मरीजों के ऊपर क्या गुजरी डॉक्टर्स की इस हड़ताल के चलते। इलाज कराने के लिए पहुंचे थे ये मरीज, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही शर्मनाक हालत में इन मरीजों को हमने देखा, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक रही उस मामले में क्या चल रहा है और क्या बातचीत हुई है? सारा सेट हो गया, कोई डॉक्टर की स्ट्राइक नहीं है, सब वापस हो गया। कब कॉल ऑफ हुई? आज। कोई सहमति बनी किस मुद्दे पर? होती है ऐसी स्ट्राइक, वापस नहीं होती, सहमति बनी तभी। किस विषय पर माने डॉक्टर्स? डॉक्टर्स तो जो नए जो लगा रहे हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए है, औरों के लिए नहीं हो। जो नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उनके लिए। चलो।